सब कहते हैं करीना मेरी है, करीना मेरी है, करीना मेरी है। बस इसी बात में झगड़ा हो जाता है। मैंने फिर उस वक्त अंदाजा लगाया जय भाई कि दुनिया में पेट्रोल के बाद अगर दूसरी कोई लड़ाई होगी तो वो करीना पे होगी। मेरा भी सपना था कि मैं भी कभी पुलिस वाला बनूं, पुलिस में रहूं। पुलिस वालों की किस्मत अच्छी है क्या आपने? बस मेरी माँ कहती थी बेटा एक दिन तो पुलिस में जाएगा, एक दिन नहीं बस हफ्ते में एक दो बार चला जाता हूँ उनके पास। पार्टी पार्टी करते फिर मेरे साथ वहां पर, फिर खुद ही छोड़ने के लिए आ जाते हैं। पार्टी के बाद फिर मुझसे चला नहीं ना जाता तो छोड़ने आते हैं। छोड़ने आते हैं। लेट आ जाओ, भिखारी घर में घुसने लगते हैं। करीना देखी नहीं कमीने बाहर आ गए, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? तुम्हारे गेस्ट को मैं एंटरटेन कर रहा था। थैंकलेस पीपल, पास बंद करो, बाहर दबा जाओ। दबा जाओ, आ जाऊंगा फिर, आ जाऊंगा, मेरे पास पैसे की कमी। बदतमीज आदमी। एक बार अजय देवगन और करीना कपूर के लिए जोरदार तालियां। सर प्लीज आप यहां विराजमान हो जाइए। कपिल अब इतनी लेट क्यों आए? मैं लेट इसलिए, एक्चुअली आई जस्ट वांटेड टू चेक डिड यू मिस मी? या आई मिस्ड यू। पक्का? 100%। मम्मी मम्मी तू मेरे को कहती ना बचपन में कुछ नहीं बनूंगा, देख करीना कपूर मेरे को मिस कर रही है। आज करीना और अजय सर हमारे पास यहाँ पे आए हैं। सर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और थैंक यू सो मच। और आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, ये आपका 100th एपिसोड है। जी सर, ये बड़ा स्पेशल एपिसोड है। थैंक यू सर। थैंक यू करीना। थैंक यू, शुक्रिया। अभी जैसे करीना ने मुझे विश किया ना बाजी, तो मैं मेरे को वो एक मोमेंट याद आ गया। मैं बड़ा एम्बैरेस हुआ था, आपको शायद याद है कि नहीं, किसी अवार्ड फंक्शन में प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे रेड कारपेट पे, तो मैं निकला तो सोनाक्षी खड़ी थी वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे रोक लिया कि 2 मिनट एक फोटो साथ में ऐसे से, ऊपर से करीना आ गई। अच्छा मैंने जिंदगी में बाजी, हमें पता कभी ऐसा कभी सोचा थोड़ी ना कभी करीना कपूर हमें ऐसे मिलेगी। उन्होंने आगे हमसे हेलो किया, मैंने कहा हेलो करीना कैसे आप, इन्होंने ऐसे किया कुछ तो किया, तो क्या बोलते उसको ऐसे? अच्छा मेरी किस्मत देखो, मुझे सामने से ऐसा हो रहा है और इन्होंने ऐसे किया तो मैं ऐसे हो गया, डर गया। और मैंने उसके बाद बड़ी प्रैक्टिस की मैंने। अच्छा, हाँ। तो चलिए क्या प्रैक्टिस की आपने? अरे सडनली मिला, ओह वाओ करीना, हाय हाय हाय। खैर हंसी मजाक चलता रहेगा, लेकिन आज मेरी मम्मी भी खास तौर पे सर आपको विश करने के लिए आई हैं। मम्मी कुछ कहना है करीना कपूर से, अजय सर से? आज मेरे बेटे कपिल के 100 एपिसोड पूरे देखने के बाद मैनू मेरे मन को बहुत खुशी हुई है। मैनू वो भी वक्त याद है जिस वेले कपिल ने उदों घर घर टीवी नहीं सी होते, तो कपिल ने कहना मम्मी सारे गली महल्ले दे बच्चियां ने इकट्ठियां होके 10-10 रुपये पा के VCR लियाना, गली में रख कर देखना करीना करीना कपूर को देखना, अजय देवगन की फिल्म देखनी है। आज मैनू यही खुशी है कि मेरा बेट उनके पास बैठा हुआ है। थैंक यू मम्मी। आंटी एक बात बताओ। हाँ जी। ये VCR पे आपने कौन सी फिल्म देखी थी कपिल के पैदा होने से पहले? मैंने बेटा इनके पापा के साथ मैं तुलसी तेरे आंगन की देखी थी। मम्मी ये बात आपने मेरे को तो कभी बताई नहीं। चोरी चोरी चली जाती है स्कूल भेज के तुमको। मेरी माँ के लिए एक बार जोरदार तालियां। लव यू मम्मी। अच्छा अजय सर, आपने करीना के साथ ढेर सारी फिल्में की हैं, आपको अपनी और करीना की जोड़ी किस फिल्म में सबसे ज्यादा बेस्ट लगी? आई थिंक ओमकारा। ओमकारा। ओमकारा बेस्ट लगी, ऐसा क्यों करीना? आपको भी यही लगता है कि ओंकारम बेस्ट थे आप? हाँ मुझे तो एक्चुअली गोलमाल 3 अच्छा लगता है। तो ओंकारम मुझे कॉमेडी फिल्में अच्छी लगती हैं। कॉमेडी फिल्में अच्छी लगती हैं, दैट्स व्हाई यू लाइक मी आई थिंक। अच्छा ओंकारम में अजय सर तो थे ही,
करीना जी के नवाब साहब भी थे, सो जोड़ी फिर भी अजय सर के साथ थी, ऐसा क्यों? मतलब वो तो स्क्रीन पे है ना, मेरी रियल लाइफ जोड़ी तो मैं इज माय नवाब, सो मतलब तो मतलब ऑन स्क्रीन अजय सर के साथ रोमांस हो रहा था और बैक स्टेज लंगड़ा त्यागी जो है वो छा रहे थे। अच्छी बात है, ऑफ स्क्रीन। अच्छा अजय सर एक बात बताइए, हमने ऐसा सुना कि जब आदमी के शरीर पे वर्दी आती है तो वो हवा में उड़ता है, वो आपने बात प्रूव भी कर दी है, आपकी फिल्म देखी, आप सिंगम में देखी, पहली सिंगम में अजय सर हवा में उड़ रहे हैं और जिनको पीट रहे हैं वो भी हवा में उड़ रहे हैं, इट्स वेरी फ्लाइंग सीक्वेंस एक्चुअली। तो सर थर्ड डिग्री तक तो हमने सुना था, ये जो आप 360 डिग्री करते हैं सर, ये आइडिया मतलब कब आया था, किसको आया था ये कि बंदे हवा में उछलेंगे, हवा में थप्पड़ थप्पड़ ये वो बंदे? वहां पे पुलिस में थर्ड डिग्री तक रोक है जी, यहाँ पे 360 क्या, यहाँ पे आप 720 भी जा सकते हैं। ये अच्छी बात है। आपको क्या लगता है सर कि पुलिस में जो असली हमारे देश की पुलिस है थर्ड डिग्री तक इस्तेमाल करते हैं घातक अपराधियों के लिए, आपको क्या लगता है कि थर्ड डिग्री से ऊपर भी होना चाहिए? देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग आई थिंक ये एक ऐसी चीज है जो मैं प्रमोट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन अगर कुछ क्राइम ऐसे होते हैं जिनमें थर्ड डिग्री भी कम पड़ता है जी, जैसे कि रेप होते हैं और उनका माइंडसेट क्या होता है मुझे समझ में नहीं आता, तो मुझे पर्सनली लगता है कि ऐसे लोगों को मार देना चाहिए। अच्छा अभी ज्यादा सीरियस बातें नहीं करेंगे, नहीं तो लोग कहेंगे कपिल अगले साल इलेक्शन में खड़े होने वाला है। अरे सर आपने काफी फिल्में साथ में की हैं जी, तो आप एक दूसरे को बाखूबी जानते हैं जी, कोई एक खूबी बताइए जो करीना में है जो किसी और में नहीं है। एक खूबी, खूबी कह लीजिए या जो, कोई जो, एक ऐसी बात जो करीना में ही है और किसी में नहीं है। हाँ, जो There is too many say ना। नहीं खूबी की बात नहीं कर रहे, ये जो सिर्फ आप में है जो बाकियों में नहीं है। इन्हीं की शादी सैफ अली खान से हुई है। तो ये चीज करीना को बाकियों से अलग करती है, और कोई ऐसी कमी जो आपको लगते है? इन्हीं की शादी सैफ अली खान से हुई है। ये खूबी भी है कमी भी है, वेरी गुड स्मार्ट आंसर। यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा करीना कि आपको अजय सर की कोई एक खूबी? आई डोंट नो, आई थिंक अजय जो है एक ही एक्टर है हमारे बॉलीवुड में हु हैज द इंटेंसिटी, तो मुझे उनकी इंटेंसिटी बहुत पसंद है। अच्छा वेरी गुड। अजय सर की आंखें जब मैं देखता हूँ ना, मैं कहता काश भगवान ने ऐसी आंखें हमें दी होती, बड़ी खूबसूरत आंखें अजय बाजी। पर आपको क्या लगता है कि दूसरे की आंख में देखे? और एक कमी जो आपको लगता है कि अरे सर मैं दुनिया जानती है बहुत कम बोलते हैं, तो आपको उनकी आवाज इतनी अच्छी है और बुलवाओ यार। मैं अपने दर्शकों को एक बात बता दूं कि अरे सर बहुत कम बोलते हैं ये सब जानते हैं, लेकिन ये एक ऐसे छुपे रुस्तम है, ये जो चीजें करते हैं वो कोई और भी नहीं करता। मैं मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे बॉलीवुड में सबसे बड़े जो है प्रैंक करने वाले आर्टिस्ट हैं एक्टर हैं वो अजय सर हैं। कोई इंटरेस्टिंग किस्सा बताइए ना, क्या क्या किया आपने? मेरे को तो बड़े याद है, एक बार आप तलवार लेके किसी के पीछे भागे थे। ऐसे बहुत किस्से किए हैं, कुछ सुनाइए ना सर। लास्ट अप किया था मैंने जो हमारे फिल्म के और मेरे प्यार हैं पराग देसाई जी, ये अमित जी के भी प्यार हैं। हाँ जी आई नो। तो एक सॉफ्टवेयर आया था बीच में, लोगों को शायद पता होगा कि मैं किसी के नंबर को मैसेज भेज सकता था, जैसे आप मेरे नंबर से, मैं आपके नंबर से करीना के नंबर पे मैसेज भेज सकता और करीना को लगेगा कि आपने मैसेज भेजा जी। तो मैंने अमित जी के नंबर से पराग को रात को 10 बजे मैसेज भेजा कि सुबह 5:30 बजे आके मिलो। तो सुबह 5:30 बजे टेंशन में वहां पहुंच गए कि क्या हो गया, बच्चन साहब के घर पे, बच्चन साहब के। तो इन्होंने बच्चन साहब को बोला, तो बच्चन साहब भी जिम में थे और उन्होंने बोला इतनी सुबह सुबह, तो इन्होंने कहा आपने बुलाया। मैं क्यों बुलाऊंगा? तो बोलता है आप देखिए आपका मैसेज है, तो वो भी परेशान है। बाद में आपने बच्चन साहब को बताया था ये? हाँ बाद में मैंने उनको बताया था, तो उन्होंने भी सॉफ्टवेयर मांग लिया। अरे कुछ दिन पहले सैफ भी यहाँ पे आए थे। अच्छा। तो किसी ने पूछा उनसे कि आप करीना की जो करीना आपकी वाइफ हैं, तो आपका रिश्ता उनके साथ कैसा है, फ्रेंडली है ये वो? उन्होंने बड़ा अच्छा अच्छा आपके बारे में बोला, उन्होंने ये भी कहा कि
करीना मुझे बहुत एंटरटेन करती हैं, तो मुझे उनका एक गाना बड़ा पसंद था फिल्म डॉन में, जो करीना ने गाउन पहन के वो डांस किया था ना, ये मेरा दिल करते, मेरा कभी कभी दिल करता, तो वो मेरे लिए भी करती है ऐसा. ऐसा उन्होंने बोला था. कुछ भी बोल रहा है वो. नहीं नहीं आप मतलब आप क्या कह रही हो, ये सब प्राइवेट बातें हैं. आई डोंट नो हाउ ही कैन से दिस. डांस तो मतलब डांस में क्या प्राइवेट हुआ? डांस में प्राइवेट, मैं उनके लिए पर्सनली उनके लिए एक आइटम नंबर कर रही हूँ. ये सब हमारी प्राइवेट बात है. I'm going to kill Saif today. कितना पाजी वैसे सैफ हाँ लकी ही है. अब देखो हम लोग 400-500 रुपए दे के फिल्म देखने जाते हैं, वहां पे करीना को देख रहे हैं, वो घर पे बैठे हुए हैं. हाँ जी प्लीज. और करीना आप हॉट हैं, यही रीजन है कि सैफ आजकल कूल रहने के टिप्स दे रहे हैं. हाँ मैं यहाँ पे आए थे तो उन्होंने बोला था मैं आपको दिखाता हूँ. यहाँ पे जरा प्लीज प्ले किया जाए. सर मैं सीक्रेट बात बताता हूँ, हम तीनों ने ये किया था बट सैफ को काफी पसंद आया. ही लाइक्स इट विदाउट एनी हेयर. प्लीज एक्सप्लेन. सी इट्स माय समर ट्रीटमेंट.